all. Last question of exercise 3.4. Question number is 6. ABC is a right angle triangle and O is the midpoint. Listen carefully. O is the midpoint of the side opposite to right angle. This is right angle. Opposite to right angle. Right angle के opposite में ये side है AC. इसका O midpoint दिया गया है. It means AO is equal to OC. यहीं से clear हो जाते हैं. Mind it. AO is equal to OC. Explain why O is equidistant from A, B and C. अब अपने को क्या show करना है कि जो ये O point है, ये O से A, O से B, O से C जितना distance है ये तीनों में equal distance है. Equidistant means O to A, O to B and O to C. Clear? अब देखो, तुम्हारे पास एक figure है, उसमें dotted line draw की गई है, ये दे रखा है. हमारे बुक में नोट भी डाल रखा है. इसको कंप्लीट किया गया है, इसको एक रेक्टेंगल शो कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है. कंस्ट्रक्शन वर्क है, राइट डाउन ए बी सी डी. ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. कंस्ट्रक्शन किया गया है इसमें, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू BD, wide diagonals. Diagonals, diagonals of rectangle always be equal. And OA is equal to OC. Write down here. OA is equal to OC given because O is midpoint of side AC. Clear na? अब देखो इन दोनों को हाफ कर देते हैं. हाफ कर दो इनका. हाफ ऑफ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी. हाफ ऑफ ए सी हाफ ऑफ बी डी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी डी तो है डायगनल, तो अब इसका हाफ कर देते हैं. हाफ ए सी का हाफ अपन ए और लिख सकते हैं और बी डी का हाफ अपन क्या लिख सकते हैं, ओ बी लिख दो या ओ डी लिख सकते हैं. तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी. इक्वेशन नंबर वन ये गिवन है, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन आ गई. क्यों क्लियर हो रहा है आपको, ए सी का हाफ मैंने ये पोर्शन लिया और बी डी का हाफ मैंने ये पोर्शन लिया, ठीक है. अब ये पोर्शन लिया तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से क्या प्रूव हो गया अपने पास, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हैंस प्रूव. ये प्रूव करना था, अदरवाइज यू कैन राइट ए बी एंड सी आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी. क्लियर? नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर थर्ड. Next video, we solve next chapter. Okay?